बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जिन्होंने वोट नहीं भी दिया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं जीते, आज मैं नहीं जीता, मुझे कोई गम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। कॉलेज में तो आना प्रति के बैच में जैसे 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 प्रॉब्लम थे उनका सामना हमने भी किया, हम भी आ गए। तमाम यहाँ पे हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर के इस साल ही आए हैं, उनको भी पता है उस दिन हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी आए थे, उस दिन हमारे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी आए थे, उनको उनको सबसे पहले किसने बोला था, कौन आए थे, सीसी के साथ में कौन आया? वो बात नहीं है कि मैं हमारे सिक्स शेड्यूल के बारे में, तो तमाम हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे वो सब गए थे दिल्ली में, उसका इशू रहा है, वो सब दिल्ली गए थे तो वो कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाए, उसके लिए मैं माफी तलब चाहता हूँ। मैंने भी अभी बात किया हुआ है हमारे काउंसिलर जो अभी लोग जीते हुए आगा से अहमद रिजवी से, जितना भी जल्दी हो सके, हमारे यहाँ पे क्लासरूम का इशू हो रहा है, क्लासरूम जो दो उधर उन्होंने पैक किए हुए हैं उनको जल्द अज जल्द हमारे आगा साहब ने बोला है विद इन डेज हम ये निकलवाएंगे, हमने ये बोल के रखा हुआ है, ये हमारा मैनिफेस्ट है, उसमें से और एक क्लासरूम बोला हुआ है कम पड़े तो हमें एक बैनर या एक वैन हमें इधर इशू करे, क्योंकि यहाँ पे रोड बहुत बढ़ रहा है, दिन ब दिन रोड बढ़ रहा है, हर साल हमारे यहाँ पे 30-40 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, सभी को पता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे कॉलेज में है। ये ले और कारगिल से लेकर उसके बाद इसलिए पे हमारे ही कॉलेज आते हैं, हमने बात किया हुआ है, इस पर भी जल्द अज जल्द काम हो जाएगा। मैनिफेस्टो न बोलने का वो क्या रीजन है, अपोजो का बाद में वो कुछ देखेंगे, मेरा जो मैनिफेस्टो था मेरा सभी के सामने मैं अभी कुछ दिन में अपोजो ने बोला जो काम करेगा उसी को वोट दीजिए, पर मैं भी कैंपिंग के लिए गया हुआ था, कई कैंपिंग किया मैंने, फिफ्थ सिम में भी किया, फिफ्थ सिम में उतना नहीं हो पाया क्योंकि वो पता नहीं मुझसे कुछ अपसेट है या कुछ वादा मैंने गलत किया पता नहीं, वो मेरे कैंपिंग पे बैठे ही नहीं, और फर्स्ट सिम को मैंने फर्स्ट सिम के साथ और थर्ड सिम के साथ मैंने कैंपिंग किया हुआ है, उनके साथ मैंने कैंपिंग किया है, जो वादा किया है वो भरपूर निभाएंगे, जल्द ब जल्द निभाएंगे, और अपना हर का वो जो काम करने के लायक है, जो काम आज तक जिस बंदे ने काम किया हुआ है, जहाँ जो बंदा निकला हुआ है आज तक, कौन बंदा कहाँ पे निकला था आप सभी को बाखूबी मालूम होगा, बस अपना हक का वोट उसी को दीजिए, मैं ही नहीं कहता कि अपना हक का वोट मुझे दीजिए, मैं इसके लिए वो भी इसके लायक है उसी को अपना वोट दीजिए, मेरा मैनिफेस्टो यही चेतन मैनिफेस्टो था, मैंने आपको वोट दिया है, और लास्ट जाते जाते मैं एक शायरी आपको, नाराज ना होना मेरे शरारतों से ए दोस्त, नाराज ना होना मेरे शरारतों से ए दोस्त, यही वो पल है, यही वो पल है जो कल याद आएंगे। Danke nicht dazu du auch. सांको कैंपस के तमाम टीचरों से शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने की इजाज़त दी, और मैं आप लोगों को बताते चलूँ मैं आज
जीडीसी कॉलेज शामपुर कैंपस में आ चुका हूँ। तो आज यहाँ पे आप लोगों को बताते चलूँ कि आज यहाँ पे जो है इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का। तो मैं आज यहाँ पे शामपुर कैंपस, जीडीसी शामपुर कैंपस के एक सिटीजन से मिल चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जी। तो मैं आप लोगों से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपके कॉलेज के बारे में। जिस वक्त आप लोग कोई नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट नहीं होते थे या वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते थे, उस वक्त आप लोग कैसे हैंडल करते थे सिचुएशन को? हम अपने हिसाब से, मैंने जब रिप्रेजेंटेटिव नहीं था इस कॉलेज में, कोई वो पता नहीं था, तो मैंने अपने बेस पे जो भी इश्यूज़ है वो लेके प्रिंसिपल सर से मिलकर उन इश्यूज़ को फिक्र करने की कोशिश करते थे। कोशिश करते करते आज इस टाइम पर कचहरी को पता है। तो आज हमारे ये पहली बार शाम को कैंपस पे इलेक्शन, तो अभी तक मेरे हिसाब से यहाँ पे इलेक्शन लगभग पूरा आधा हो चुका है। तो आप ये बताएं कि अगर यहाँ से कोई प्रेसिडेंट जीते या वाइस प्रेसिडेंट जीते, क्या आपको उससे उम्मीद है कि वो कुछ काम करेगा या कि नहीं? इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे, क्योंकि जो भी हमारे जो यहाँ स्टूडेंट ने जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है वाइस प्रेसिडेंट के लिए या प्रेसिडेंट के लिए या जनरल सेक्रेटरी के लिए, वो अपने हिसाब से भरा है, ना कि दूसरे से कहने की बात है, बल्कि अपने हिसाब से वो ये रिप्रेजेंटेटिव के लिए। थैंक यू मिस्टर हसन सवाल ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यहाँ पे आप लोगों को बताते चलूँ तो प्रेसिडेंट के लिए गुलाम हुसैन और उसका अपोनेंट मिस्टर आगा सईद मुश्तबा, और वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अली और उसका अपोनेंट हसनैन मोहम्मद हसनैन, और जनरल सेक्रेटरी हुस्निया बानो और उसका अपोनेंट है शब्बीर हुसैन। तो मैं आज यहाँ पे जीडीसी शामपुर कॉलेज के कैंपस के मैडम से मिल चुका हूँ। तो हम मैडम से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि आप इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये जो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, कुछ काम करने के लायक है? देखिए, मेरा कहना है कि जिनका भी नॉमिनेशन हुआ है उनको पहले तो ऑल द बेस्ट, और वो अपना अच्छा कर रहे हैं। जो भी जीतेगा मुझे उनसे उम्मीद है कि वो आगे जाके काम करेगा, और मेरी तमाम लोगों से, तमाम शामपुर कैंपस के बच्चों से ही गुजारी है कि वो अपना कीमती वोट देने जरूर आए, और आपका वोट आपका अधिकार है, तो ये आपका हक है और आपको देना जरूरी है। तो आप ये बताते चलो मैम, आप जिस वक्त यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होते थे, वो वक्त काम कैसे करते थे, कैसे हैंडल करते थे सिचुएशन को, उसके बारे में? उस टाइम पे तो टीचर ही हैंडल करते थे, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, तो इतने बच्चों में इलेक्शन होना पॉसिबिलिटी नहीं थी, और आज बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है, और ये हमारे शामपुर कैंपस का पहला इलेक्शन है, स्टूडेंट इलेक्शन है, इसलिए हम आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बताते चलो आज यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी का। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि सर लोगों ने मुझे यहाँ पे आने का इजाज़त दिया। इसके बाद में ये हमारा मोहम्मद अली वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप इसकी इजाज़त हो तो। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि आप अगर जीत जाए तो कॉलेज की डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा रोशन। सबसे पहले मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया है, और मैं जो है कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए जितने भी इश्यूज है कॉलेज के, चाहे वो क्लासरूम के हों या पानवाटर के हों या स्पोर्ट्स के हों, उन सबको जो है यानी पूरा करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, उसके बाद आप ये बताओ कि आप अगर यहाँ पे देखा जाए तो कोई ग्राउंड वाउंड तो नहीं है या पानी के फैसिलिटी बोले तो यहाँ पे कोई नहीं है, आप अगर जीत जाए तो इसके बारे में आज, इससे पहले आप लोग क्या करता था और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ? ग्राउंड के बारे में अभी ग्राउंड तो बस इतना ही हुआ है, क्योंकि अभी ये फुल फ्लेज कॉलेज में नहीं है। तो पानी के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिन पहले जो है पद्मा आमो मैम यहाँ पे आई थी, तो उनसे हमने ये डिस्कस किया था कि पानी के बारे में, तो अगले दिन उन्होंने यहाँ पे पानी की टंकी लगवा दी थी, और पानी की समस्या भी यानी काफ़ी हद तक हल हो चुका है,
और ग्राउंड के बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी कुछ कॉलेज भी नहीं है। तो अच्छा आप बताते चलो कि आप कॉलेज में कितना इन्वॉल्वमेंट होगा। हमारे कॉलेज में लगभग होंगे 200-250 स्टूडेंट। आप लोग देख सकते हैं कि आज यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, अलग अलग कूलिंग स्टेशन है यहाँ पे, ये जो फिफ्थ का है, फिफ्थ सेमेस्टर है, फर्स्ट सेम का अलग अलग कूलिंग स्टेशन है। तो शुक्रिया गुलाम अली आपका आपने किसी वक्त ध्यान देने के लिए शुक्रिया। हजरात से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पहली बार यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन रखा, क्योंकि सर जैसे दूसरे प्रॉब्लम हुआ ना कारगिल में सबको साथ जाना पड़ता था अगर कोई नॉमिनेट नहीं है। अभी यहाँ पर नॉमिनेट निकल गया है तो अच्छा रहेगा कि एक बंदा जाके जैसे जैसे प्रॉब्लम हो गया हमें एक ही जाके उधर फेस करना पड़ेगा सर। अच्छा जिस वक्त प्रेसिडेंट होते थे आप लोग कैसे सिचुएशन को हैंडल करते थे? सर उस समय तो मतलब बहुत दिक्कत आते थे, पर दिक्कत आने के बावजूद हम चलाते थे ऐसे ऐसे करके हम निकाल लेते थे सर। बहुत सारे यहाँ पे जैसे कि पहले भी प्रॉब्लम थे तो बोलने वाला कोई नहीं आता था, उधर जाने वाला कोई नहीं होता था, तो ऐसे ऐसे करके 3-4-5 स्टूडेंट जाना पड़ता था, तो उनको स्टडी का भी प्रॉब्लम होता था। अभी तो एक ही रिप्रेजेंटेटिव निकल गया है तो हम एक ही जाके उधर बात कर सकते हैं सर, इसलिए ये बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए। थैंक यू सर मिस्टर गुलाम हुसैन आपने आपने दिया। उनको बताते चलो कि आज यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का। आप लोगों को थोड़ा जानकारी के लिए मैं बताते चलूँ कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर गुलाम हुसैन और उसके अपने मिस्टर आगा सईद मुश्तबा और वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर मोहम्मद अली और मिस्टर हसनैन और जनरल सेक्रेटरी के पूर्णिया बानो और मिस्टर शब्बीर हुसैन। तो मैं यहाँ शाम को जिस कैंपस के सर से मिल चुका हूँ और मैं सर से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ अगर सर आपकी इजाज़त हो। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इस इलेक्शन में अगर कोई प्रेसिडेंट जीत जाए या कोई वाइस प्रेसिडेंट जीत जाए तो आप लोगों को क्या उम्मीद है वो काम करने कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए उनका एक स्टूडेंट काउंसिल होना, स्टूडेंट बॉडी होना बहुत ज़रूरी है, एक जिसे हम कहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक पार्ट करिकुलम करते हैं। तो जो ये इश्यूज़ को लेके जो इन्होंने कैंपेनिंग चलाया है, इन्होंने जो डिबेट किया है, उससे उन्होंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है कि कॉलेज के क्या इश्यूज़ है और स्पेसिफिक ये जो है स्टूडेंट की इश्यूज़ के लिए भी काम करेंगे। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो जो जीतेंगे रिजल्ट के बाद वो पता चलेगा, तो इंशाल्लाह वो लोग अच्छे से काम करेंगे। और मुझे लगता है कि कॉलेज में बहुत से इश्यूज़ हैं जो स्टूडेंट्स के रिलेटेड है जो जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, तो उम्मीद है कि वो लोग इस पर काम करेंगे। तो चलिए, तो सर आप बताते चलो कि जिस वक्त यहाँ पे कोई नॉमिनेट प्रेसिडेंट नहीं होते थे तो उस वक्त कैसे हाउ टू हैंडल द सिचुएशन कैसे करते थे? देखिए उसके रिलेटेड भी मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट्स ही अच्छा बेहतर सपोर्ट दे सकते हैं उसके रिलेटेड जानकारी। लेकिन कल जो उन्होंने डिबेट किया उसमें भी उन्होंने हाईलाइट किया कि काउंसिल या एक इलेक्टेड बॉडी नहीं होने की वजह से बहुत से चीज़ों को एड्रेस करने में मुश्किल आता है, क्योंकि आपके पास कोई पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो क्वेश्चन भी आता है कि आप क्यों ऐसे काम कर रहे हो। तो ये एक इलेक्टेड बॉडी का होना स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी है और स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे और ऑल कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो इशू जो भी हो, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्लासरूम से रिलेटेड हो, लाइब्रेरी से रिलेटेड हो। जो मुझे लगता है कल का जो डिबेट हुआ है आपको वो भी सुनना चाहिए, जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ मतलब जो इशूज़ को एड्रेस करना चाहिए और जो स्पेसिफिक कॉलेज के रिलेटेड इशूज़ है उन पर उन्होंने काफ़ी अच्छा हाईलाइट किया है। थैंक यू सर आपने आपने शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बाकी आप लोगों को बताते चलूँ कि यहाँ पे पोलिंग स्टेशन जो है वो जो है फिफ्थ सेम का है। मैं सभी भाई और बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना पूरा भरोसा मुझ पे लगा कर मुझे जिताया है। इंशाल्लाह यहाँ से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा हम उसको भरपूर निभाएंगे, आपके साथ निभाएंगे, जो वादा किया है वो करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने वोट नहीं भी दिया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे एक यही काम करने के लिए आपने एक रिप्रेजेंटेटिव के उस पर चुना है, तो हमारे यही काम यानी मुश्किल रहेगा कि हम जितने भी इश्यूज है इंशाल्लाह उनको पूरा करने की कोशिश जरूर करूँगा। मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी आप लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वोट देकर मुझे जिताया। मेरा यही कहना है कि हमारा प्रेसिडेंट साहब गुलाम हुसैन और वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अली के साथ हम जितने भी कॉलेज के इश्यूज है उनको लेके हम भरपूर काम करेंगे और जितने भी इश्यूज है उनको लेकर हम भरपूर काम करेंगे, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैंडिडेट जो मैं जीते, आज मैं नहीं जीता, मुझे कोई गम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए किसी को, जैसे कि मैंने कल आपको स्पीच में बोला करना हर किसी को है, लेकिन मैं गुलाम हुसैन साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। आई होप कि आप इस चीज में, इस मैदान में खड़े उतरेंगे और हम सारे बच्चों के कॉलेज में जितने आने वाले बच्चे हैं जब तक ये खुद मतलब इस पद से ना हटे तब तक ये भरपूर कोशिश करते रहेंगे। हम सब इनसे ही उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि हमेशा हमारे मुश्किलों का आसान करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।
हमारा नेता कैसा हो? वो हमारा नेता